वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, अज आपां 10th क्लास की असाइनमेंट 15 करन जा रहे हैं। बेटा जी क्वेश्चन ध्यान नाल समझ लेने ने, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना ताकि तुहानू नैक्सट अपडेट्स ने नाल दी नाल मिलते रहन। देखो बेटा, फस्ट क्वेश्चन है, जेकर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई इक्वल टू 12, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का मुल पता करो। आप वैल्यू फाइंड करनी बेटा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की। देखो एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स इंटू वाई गिवन है। सौखा तरीका यह अपने को फार्मूला होंदा है एक्स प्लस वाई का स्केयर। की फार्मूला होंदा अपने को, ए स्केयर मतलब एक्स का स्केयर, बी स्केयर वाई का स्केयर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। हुण देखो एक्स प्लस वाई कितना अपने को 7, 7 का स्केयर बन गया। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपने फाइंड आउट करना है प्लस टू एक्स इंटू वाई कितना अपने को 12, ठीक है। 7 इंटू 7 कितना बन गया 49। इधर है बेटा अपने को एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, 12 इंटू 2 कितना बन गया अपने को 24, ठीक है। हुण देखो बेटा अपने को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 49 माइनस 24, 24 इधर आके माइनस हो गए तो कितना आ गया अपने को 25, ठीक है। केड़ा आंसर आ गया बेटा अपने को, ए फर्स्ट आंसर आ गया ए। नैक्सट देखो, नैक्सट है अपने को के दा मुल पता करो, जेकर बहुपद या सिफर का गुणफल सिफर के जोड़ तो एक वध हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इज वन मोर दैन द सम ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो बेटा पहला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला की होंगे, कॉस्ट एंड टर्म, अचल पद के बटा एक्स स्केयर का गुना कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर कितना आ गया प्रोडक्ट अपने को के बाय 5, ठीक है। सम का फार्मूला की होंगे अपने को, सम होंदा बेटा अपने कोल माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स किन्ना अपने कोल 15 बटा कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर किन्ना अपने कोल 5, ठीक है। 5 3 15। हुण दो अपन की कह रहे हैं, जिहड़ा प्रोडक्ट आ वह सम नालों किन्ना वधदा, एक वधदा। प्रोडक्ट किन्ना कढ़िया अपन ने के बाय 5, सम किन्ना अपने कोल माइनस 3 प्लस 1, तो के बाय 5 किन्ना आ गया अपने कोल माइनस 3 प्लस 1 किन्ना बन गया माइनस 2। के दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5 इंटू माइनस टू इंटू फाइव मतलब माइनस दे 10, ठीक है। के दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस दे 10। अपनी ऑप्शन कितनी आ गई बेटा सी। नैक्सट देखो, जेकर समीकरण के मूल बराबर होन तो देखो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल दैन अपन के दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट्स अपन की दिते हुए बेटा जी इक्वल, ठीक है। देखो इस ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन कंपेयर करते होंगे, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट 1 आ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट कितना अपने को 2, सी कितना आ गया अपने को के, ठीक है। पहला चलो आप डी कढ़ांगे, डी का फार्मूला की होंगे बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है। बी कितना अपने को 2, 2 का स्केयर माइनस 4, ए कितनी है 1, सी कितनी अपने को के, ए बन गया 2 का स्केयर 4, इतने कि आ गया 4 इंटू k। अपन गिवन आ क्योंकि रूट्स की ने इक्वल ने, जो रूट्स इक्वल होंगे ने तो अपने को डी की वैल्यू कि बराबर होंगी है 0 दे। यदा मतलब बेटा अपने को आ गया 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट इंप्लाई बेटा माइनस 4k, 4 इधर आके माइनस हो गया, कैंसल आउट होगी माइनस, तो k की वैल्यू कि आ गई अपने को 4 बाय 4, तो k का आंसर कि आ गया जी बेटा अपने को 1, ठीक है। अपने को ऑप्शन आ गई बी। नैक्सट देखो, बहुपद या सिफर पता करो, ठीक है। सिफर जीरोज फाइंड आउट करने, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलीनोमियल। अपने को पोलीनोमियल है 6x² माइनस 7x माइनस दे 3, ठीक है बेटा। हुण तुसी इहदे फैक्टर बनाओ, आपां बेटा इहदे फैक्टर बनाउने आ। देखो 6 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया किन्ना आ गया अपने को माइनस 18, सेंटर च किन्ना अपने को माइनस दे 7। फैक्टर बनाओ, गुना करके 18 बन जाए माइनस दे, वैसे माइनस 7 बन जाए जे माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18, माइनस 9 प्लस 2 किन्ने बन गए अपने को माइनस दे 7, ठीक है। देखो फर्स्ट नहीं छेड़नी, 6x² एज इट आ जाएगा, सेंटर वाली वैल्यू तो आ जाएगा माइनस 9x प्लस 7x, ठीक है। लास्ट किन्ना अपने को माइनस 3, ए चो कॉमन काट लो बेटा, एक एक्स कॉमन निकल गया 6 ते 9 दे टेबल, 6 ते 9 किदे टेबल ते आउंदा 3 ते, 3 कॉमन निकल गया, 3 2 6, x इधर रहेगी 3 3 9, ठीक है। x बाहर निकल गई, सॉरी बेटा 7 9 प्लस 2 आएगा इतने, ठीक है।
हूँ देखो अपने को इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन निकल रहा था, वन आएगा इतने कि आ गया अपने को 2x-3। ठीक है 2x-3 हूँ अपने को फैक्टर बन गए बेटा, एक तो बन गया 2x-3, एक बन गया अपने को 3x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है हूँ देखो आप रूट्स फाइंड आउट करने ने, रूट्स फाइंड आउट करने अपन कि बराबर रखा बेटा आप 0 के, हूँ ता ही मैंने इस रकम के रूट फाइंड आउट करने ने मैंने इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है रूट्स फाइंड आउट करने ने ए बन गया अपने को एक बार 2x-3 इज इक्वल टू 0, जे तुम इतने 0 नहीं पाना ना पाओ बेटा नैक्सट स्टैप पा सकते हो 3x+1 इज इक्वल टू 0। तो अपने को 2x की वैल्यू कि आ गई 3, x की वैल्यू कि आ गई अपने को 3/2। यदि बेटा 3x की वैल्यू कि आ गई अपने को -1, एक्स की वैल्यू कि आ गई -1/3। अपने को रूट्स बन गए 3/2 तो -1/3 मतलब ए ऑप्शन। ठीक है क्लियर हो गया बेटा। नैक्सट देखो एक दो घाती समीकरण दे कोई दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे हैं जेकर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स कदों होंगे ने जो डी की वैल्यू की होंगे बेटा जी अपने को, ठीक है ग्रेटर होवे पॉजिटिव होवे ते इक्वल भी होवे उदो की होंगे ने वास्तविक, क्योंकि भिन्न भिन्न कहा इन्होंने। ठीक है भिन्न भिन्न को एक मिनट बेटा, एक भिन्न भिन्न क्या तो डी अपने को ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। जो अपन ये क्या कलर लिखा होंगे ना नहीं भी रूट्स वास्तविक होन, ठीक है फिर आप ऑप्शन लाते ए। ठीक है हूँ इन्हें सिर्फ ए क्या होया भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो भिन्न भिन्न मूल। ठीक है भिन्न भिन्न मतलब कि डी की वैल्यू की होनी चाहिए ग्रेटर दैन 0। ठीक है बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।